हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग जा रहे हैं जमशेदपुर से छिन्नमस्ता टेंपल जो रांची में है। तो टाटा नगर से अभी जाएंगे रांची और रांची से फिर राजरा। अभी हम लोग सुबह सुबह निकल जा रहे हैं और कितना टाइम लगता है जाने में, और रास्ते का जो व्यू है वो बहुत सुंदर है। तो आइए चलिए साथ में चलते और आज का सफ़र एंजॉय करते हैं। Let's go. दोस्तों, ये मेरा दोस्त है, ये आज पूरा ड्राइव करेगा हमारे साथ। एकदम सुबह सुबह जमशेदपुर का नज़ारा कितना ब्यूटीफुल लगता है। लेकिन घर से निकलते ही हमारे ड्राइवर चेंज हो गया। हमारे ड्राइवर मैडम जी गाड़ी बहुत तेज भगा रही है, लगता है एक घंटा पहले हम लोग पहुंच जाएंगे। अभी हम लोग हाई रोड पकड़ लिया, लेकिन गाड़ी एक चीज़ है, गाड़ी बहुत तेज भाग रही है। और एक घंटा ड्राइविंग के बाद हम लोग आके पहुँचे हैं, चौका बॉर्डर क्रॉस किया और चौका बॉर्डर के बाद एक हाईवे पकड़ लिया। हाईवे के सामने एक तो होटल है जहाँ पे अभी हम लोग रुके हैं थोड़ा नाश्ता पानी करने के लिए। और यहाँ से रांची करीब 85 किलोमीटर से ये हाईवे है, हाईवे पकड़ के यहाँ से हम लोग जाएंगे। नाश्ता हो गया अपना, अभी हम लोग बस जा रहे हैं रांची की तरफ। बीच में एक मंदिर आएगा जो डवरी मंदिर जिसको कहते हैं, तो वहाँ पे रुकेंगे थोड़ी देर के लिए, फिर हम लोग निकलेंगे रांची की तरफ। हम लोग करीब पहुँच गया डवरी माँ मंदिर। रुकेंगे नहीं यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे बहुत भीड़ रहता है, एक बार आया था दर्शन नहीं हो पाया, फिर हम लोग निकल जा रहे हैं अभी आगे। रांची बोलो कितना टाइम है? आधा घंटा। अभी ये पहाड़ कौन सा है? कुंडू पहाड़, ये कमाल कुंडू पहाड़। वाओ, कमाल फॉल नाम है, नहीं बड़ी नागरा फॉल नागरा में फॉल्स बोला, मैंने नाम तो भूल जाएगा। फॉल्स का नाम क्या बोला इसमें? कुंडू फॉल। Thank you.
देखो रास्ता, क्या मस्त रास्ता है, इधर भी एक पहाड़ है, पहाड़ों को चीरता हुआ रास्ता बनी है। गजब का भी, गजब का भी। अगर हम लोग अभी नामकुम और यहाँ से और 2-3 किलोमीटर इसके बाद हम लोग रांची घुसेंगे। ज़्यादा टाइम नहीं लगा, कितना टाइम लगा, 2 घंटा लगा ना? हाँ 2 घंटा लगा, 2 घंटा में पहुँच गए हम लोग। रास्ते में 15 मिनट का ब्रेक था। से निकल रहे हैं यहाँ से और 59 किलोमीटर, 59 ना, 58 किलोमीटर, 1 घंटा का रास्ता है। हजारीबाग, हजारीबाग तो मार्केट लगा हुआ है, सब्जी मार्केट। पूरा फास्ट टैग ना, फुल फास्ट टैग। ये चीज़ बहुत अच्छा है बेटा, पूरा ऑटोमेटिक। ड्राइवर हैज बीन चेंज नाउ, इट्स नीलांजना अगेन। हम लोग अभी क्रॉस कर रहे हैं, बेटा पूरा घाट क्रॉस कर रहे हैं अभी हम लोग। हाँ, सुंदर सी घाट है, मजा आ गया। बस व्यू देख के ऐसा लग रहा है कि भाई हिल स्टेशन है। हिल स्टेशन में है, रांची टू राजरप्पा का रास्ते पर आ रही है। अभी रामगढ़ घाटी क्रॉस कर रहे हैं। रामगढ़ बेसिकली मिलिट्री कैंप है, पूरा इंडिया का बहुत बड़ी ये जगह है। देखिए क्या मस्त है, पहले ये सिंगल रोड था, अभी डबल रोड हो गई है। बेसिकली भी हम लोग उतर रहे हैं, ऑपोजिट डायरेक्शन जब हम आएंगे उसको चढ़ेंगे, उस समय फिर हम वीडियो लेंगे। घाटी है, अभी हम लोग उतर रहे हैं। देखिए ड्राइवर को, देखिए मुंह में मास्क लगा के चला रही है, बहुत एक्सपीरियंस ड्राइवर है। और हम आगे कुछ नहीं बताएंगे, अभी देखिए टर्न है, देखिए पूरा आई हेयर पिन टर्न है। देखिए मैंने टर्न ले लिए है बहुत सुंदर तरीके से, आगे देखो पापुन, देखो पूरा आगे हेयर पिन है। डांजर बी केयरफुल, हाँ इट्स टोटली हेयर पिन। हाँ
पहुंच गए हम लोग राजरप्पा। और ये है पार्किंग एरिया, बहुत सारा पार्किंग एरिया आपको मिलेगा, लेकिन ये नदी है। ये आ गए हम लोग मंदिर में। आज भीड़ थोड़ा कम है, मतलब बहुत ही कम। और जो पूजा का थाली है वो मिल जाता है आपको 100 200 300 रुपये में, जो जैसे आपको चाहिए वैसे मिल जाएगा। बाकी मंदिर का जो व्यू है यही है। यहाँ से आपको मेन मंदिर पे जाने का रास्ता है। बाकी सब कुछ यहाँ पे मिल जाएगा आपको, कलर वगैरह। ये है मंदिर। ये असली मंदिर। शिव मंदिर का जो व्यू है हम आपको और एक बार दिखा देते हैं। लेकिन भीड़ कम नहीं है, हम जैसे सोचा था वैसे नहीं है, भीड़ बहुत है। अंदर लाइन लगा हुआ है, अरे बाप रे, बहुत लंबा लाइन। चलिए हम भी जाके लाइन में लग जाते हैं वहाँ पे। माँ का दर्शन हो गया, बहुत जल्दी हो गया, आधा घंटा में हो गया काम अपना मंदिर में दर्शन। अभी बस हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से। थोड़ा बहुत शॉपिंग करने के लिए यहाँ पे जगह है, थोड़ा बहुत शॉपिंग भी कर सकते हैं, मतलब जो होता है मंदिर में ऐसे चिड़िया वगैरह सब बहुत मिलते हैं। माँ के दर्शन के लिए आज भीड़ अभी था, अभी ख़त्म हो गया, आधा घंटा पहले बहुत भीड़ था। अभी शायद मंदिर बंद होने वाला है, तो अभी 2 बज रहा है, तो अपने को आधा घंटा टाइम में हो गया अपना मन माँ का दर्शन। अभी बस यहाँ से हम लोग निकल रहे हैं। ये है मंदिर राजरप्पा चिन्ना माता मंदिर। मंदिर में माँ का दर्शन हो गया। और एक चीज़ है, हम लोग को टाटा से आने में करीब 4-4.5 घंटा लगा, और यहाँ पे आधा घंटा लगा, इसलिए हम लोगों को निकलते टाइम थोड़ा लेट हो गया। हम लोग निकले 8 बजे, तो यहाँ आके पहुँच गया करीब 1 बजे। बीच में एक घंटा हम लोग कहीं 2 जगह रुके थे, आधा घंटा करके। ऐसे आपको 4-4.5 घंटा लगेगा आने में। और अभी 2 बज रहे दोपहर को, तो हम लोग अभी निकल जाएंगे यहाँ से, फिर रास्ते में कहीं खाना वाना खा के फिर टाटा चल जाएंगे। ये था जमशेदपुर से राजरप्पा आने का जो ट्रिप है, इसका फुल डिटेल्स।